उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हालात अब सामान्य हो रहे हैं, काबू में आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन और किसानों ने सूझबूझ दिखाई है। ऐसे में हिंसा की आग को भड़काने की कोशिशें नाकाम हुई और अब अमन चैन पटरी पर लौटता दिख रहा है। प्रशासन और किसानों के समझौते के बाद आज चारों किसानों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी से नए वीडियो सामने आए हैं। आज हम आपको एक एक कर तीन वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इन तीनों वीडियो में लखीमपुर खीरी हिंसा का पूरा सबूत कैद है। अब एक एक कर हम वो तीनों वीडियो आपके सामने रखते हैं। पहला वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेयर किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा है, हाथों में झंडे हैं, डंडे हैं, नारेबाजी हो रही है। और इसी बीच पहली जीप गुजरी, आपने देखा तेजी से रफ्तार भरते हुए, फिर दूसरी गाड़ी भी गुजरी और फिर तीसरी गाड़ी भी गुजर गई। इस वीडियो में लोग तीसरे नंबर की कार पर डंडे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक बार फिर से देखिए, ये वीडियो नंबर वन, पहली गाड़ी गुजरी, दूसरी नंबर की गाड़ी भी गुजरी और अब ये तीसरी नंबर की गाड़ी जब गुजर रही थी तब इस पर प्रदर्शनकारियों ने लाठी बरसाई। तो पहला वीडियो आपने देखा, पहली गाड़ी गुजरी जीप थी, दूसरी गाड़ी गुजरी एक एसयूवी गाड़ी है और अब ये तीसरी गाड़ी देखिए। तो आपने समझ लिया, ये पहला वीडियो है लखीमपुर का ही बताया जा रहा है, 3 तारीख का बताया जा रहा है और ये वीडियो पोस्ट किया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। तो ये पहला नंबर वीडियो है जो आपने देखा, एक गाड़ी गुजर रही है तेजी से, प्रदर्शनकारी सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच में से जीप गुजर गई। दूसरी गाड़ी देखिए, एक एसयूवी गाड़ी है, फॉर्चूनर गाड़ी है, समझ में आ रहा है, लोगों भी दिखाई दे रहा है। और तीसरी नंबर गाड़ी जो स्कॉर्पियो यहां से गुजरती है उसके ऊपर प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडे बरसाए। तो ये तो पहली तस्वीर हुई, पहला वीडियो हुआ। अब दूसरा वीडियो देखिए, इसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शेयर किया है और इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि सड़क पर प्रदर्शनकारी किसानों का हुजूम जमा है, हाथों में झंडे और डंडे लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक गाड़ी पीछे से आती है और बुजुर्ग शख्स को रौनते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि ये गाड़ी कौन चला रहा है, अगर आप बहुत गौर से भी देखेंगे तब भी आप ये समझ नहीं पाएंगे। हमने कई दफा इस वीडियो को देखा, पॉज कर करके देखा, स्लो मोशन में देखा, हम आपको भी स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर शायद कोई मौजूद था, अब ये कौन है इसका नाम नहीं पता। अब आप ये देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि इस गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो फ्रंट शीशा है, फ्रंट मिरर है, वो चिटका हुआ नजर आ रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है और ये गाड़ी इस बुजुर्ग शख्स को रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि ये कार पत्थरबाजी से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ी या फिर प्रदर्शनकारी किसानों को जानबूझकर इस गाड़ी ने कुचला, इसकी जांच होनी बाकी। शुरू से फिर प्रदर्शनकारी किसान दिख रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी का शीशा चिटका हुआ है, टूटा हुआ नजर आ रहा है और इस गाड़ी ने कुचल दिया जो प्रदर्शनकारी थे, उन्हें कुचलते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इस गाड़ी ने इन प्रदर्शनकारियों को क्यों रौंदा, सवाल उठना लाजमी है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस गाड़ी का चूंकि शीशा चटका हुआ है, इस गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, इसलिए बेतहाशा दंदनाते हुए ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी। और हम आपको देखिए पूरे स्क्वायर में ये समझाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चालक है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो आप समझिए, हम देख रहे हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये गाड़ी कौन चला रहा है। अब तीसरा वीडियो देखिए, इसमें भी वही कार है जो सबसे आगे चल रही थी, अब आगे जाकर ये कार रुकती है, कार में बैठे हुए लोग बदहवास होकर भागने लगते हैं। ये देखिए, नीला कुर्ता पहना हुआ एक शख्स है, सफेद रंग का पजामा, नीले रंग का कुर्ता, गाड़ी से ये उतरा, बेतहाशा आगे की तरफ भागा और ये इतना सा ही वीडियो है। लोग इन्हें दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है।
आप इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो झूठ नहीं कहता है, तस्वीरें झूठ नहीं कहती हैं। तो हमने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के 3 वीडियो एक एक कर हम आपके सामने रखे। इस वीडियो के सीक्वेंस को, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी आखिर चला कौन रहा था जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला, और क्या इरादतन किसानों को कुचला गया, क्या इरादतन इन प्रदर्शनकारियों को कुचला गया, या फिर जैसा कि आपने देखा गाड़ी के शीशे पर पत्थर का निशान था, शीशा चिटका हुआ था, और क्या ऐसा तो नहीं कि अपनी जान बचाने के इरादे से ये गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और इस दौरान आपा खो दिया ड्राइवर ने अपना और उसने प्रदर्शनकारियों को रौन दिया। आपके मन में यह सवाल भी आ सकता था कि गाड़ी को रोका जा सकता था, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि क्या उसकी भी मंशा यही थी, क्या उसे अपनी जान का खतरा नजर आ रहा था और वो तेजी से इन प्रदर्शनकारियों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। बहुत सारे सवाल हैं, ये इसका निर्णय करने के लिए हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये तीनों वीडियो एक एक करके पूरी सीक्वेंस में देखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।